ये जो बस है ना डबल डेकर है, टोटल बस 6 सीट है नीचे, अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हो आप। और ये जो देख रहे हो ना, ये इनका वॉशरूम है। हाँ जी, बस में आपको मिलता है वॉशरूम। ये जो पार्ट है कोई नहीं दिखाता है ब्लॉग में। चलो भाई, ये आ चुकी है अपनी कार, मर्सिडीज बेंच। गुड आफ्टरनून एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने किया था मलेशिया में आकर एक ट्रेन जर्नी, जो कि था कुआलालंपुर से लेकर पेनांग तक का, और काफी कमाल का ट्रेन जर्नी था वो हमारा। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, ये वीडियो एंड होने के बाद ये वीडियो को पूरा देखो। वैसे भी आपको टाइटल और थंबनेल से तो आइडिया लग गया होगा कि ये जो मेरा आज का वीडियो है वो होने वाला है मलेशिया में बस जर्नी। हाँ भाई, जब ट्रेन आपको दिखा दिए, अभी थोड़ी देर में हमारा फेरी है, फेरी आपको दिखा दिए तो एक बस जर्नी तो बनता है ना। अभी हम लोगों ने यहाँ से ना फेरी लिया है, पर पर्सन 2 रिंगेट करके लगा है। ये स्पीड बोट है या क्या है? फास्ट, हम लोगों ने पूछा फास्ट कौन सा है तो वो फास्ट बोल कर ही दिए। वैसे 1 रिंगेट का भी एक टिकट दिख रहा है हमें। ये अपना टर्मिनल है देख लो। चलो जी, ये दिखा कर हमें अभी अंदर एंटर करना है। अच्छा लग रहा है ना अभी फिर से ठंडा में आकर? अभी अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे जॉर्ज टाउन, फिर करेंगे पेट पूजा, फिर उसके बाद हमारा बस है। कौन सा बस है, कहाँ का बस है, वो आपको बस के पास पहुँच के बताएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे अकेले नहीं हूँ, लवली तो है ही साथ में, अपने सत्या भाई, अपने संदीप भाई। ट्रेन जर्नी में बहुत मजा आया। अभी फेरी सर्विस को भी देखना चाहते थे हम लोग यहाँ की। हमारे यहाँ द्वारका वाली 10-10 रुपए वाली सवारी है या थोड़ा अच्छा सर्विस है थोड़ा। और बस जर्नी के लिए एक्साइटेड? हाँ बिल्कुल, बस जर्नी कभी इंडिया में भी नहीं की मैंने उतनी लग्जरी बस, यहाँ पे कर रहा हूँ सीधे, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। एक क्वींस बे मॉल है, वहाँ से हमें कुआलालंपुर के लिए बस मिलेगी, और बस भी ट्रेन जितना ही समय लेने वाली है क्योंकि यहाँ की रोड्स वगैरह बहुत अच्छी हैं। और बस में जो मुझे लगता है नंबर ऑफ सीट्स केवल 14 है, बल्कि 2 डेक की बस है, अपर डेक एंड लोअर डेक, बहुत लग्जरी बस है। अब वो तो आपको पता चलेगी, देखोगे पूरी जर्नी। उसमें अलग से वेज मील मैंने ऑर्डर करके पर्चा प्रिंट करके भी रखा हुआ है कि जैसे हमारे साथ ट्रेन में हुआ तो वैसा ना हो, अलग से मैंने रिक्वेस्ट डाल के एक प्रिंट करके रखा हुआ। अब देखो उसके बाद भी कुछ होता है तो आपको बताऊँगा, लेकिन ऐसी बस जर्नी आपको हर जगह नहीं मिलेगी, और यहाँ मौका था और इसलिए हम लोगों ने सोचा नहीं इसे कर ही लेना चाहिए, तो हमने वो बुक कर ली थी। अभी बस के लिए हम लोगों ने कितना पे किया है कितना नहीं, वो बस में बैठकर आपको अच्छे से बताएंगे। फेरी के लिए देख लो अच्छा खासा लाइन लग चुका है यहाँ पे। हमारी ट्रेन के यात्री आ रहे थे मैक्सिमम, तो सब ट्रेन वाले ही हैं। यहाँ कुछ ऐसा फेरी है देख लो अपना, अंदर एयर कंडीशन है ना इसलिए पूरा सीट फुल हो चुका है। बाहर का नज़ारा तो नो डाउट काफ़ी कमाल का है, लेकिन गर्मी भी बहुत है। जैसे ही हमारा बोट चलेगा ना तब जाएंगे बाहर, क्योंकि तब गर्मी थोड़ा कम लगेगा। फाइनली हमारी फेरी निकल चुकी है अभी जॉर्ज टाउन के लिए, और नज़ारे तो भाई साहब बहुत कमाल के हैं। मेरे को लगा ना स्लो चलेगी ये, लेकिन नहीं, अच्छा खासा स्पीड है इसका, काफ़ी बढ़िया स्पीड है। ऐसा नहीं है कि आप बस फेरी से जा सकते हो, मेरे को ना वहाँ से एक ब्रिज भी दिख रहा है, बाई रोड से भी आप जा सकते हो। वैसे अभी आप लोग बताना, काफ़ी विंड है अभी, काफ़ी हवा चल रहा है अभी, मेरा ऑडियो कैसा आ रहा है ये जरूर बताना। दिल बेठिकाना था, तुझ तक ही आना था रास्ता, लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। ये सामने की तरफ ही दिख रहा है देख लो हमें जॉर्ज टाउन। उम्मीदें जगी छोड़े से ना छूटेंगी कभी, आदते ये नहीं आदते, तुम जो आए हो लाए हो दिल में रहते। यहाँ से निकलते ही सबसे पहले चलेंगे आनंद भवन। हाँ जी, मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं अभी मलेशिया में ही हूँ। आनंद भवन आपको यहाँ पे है हर, मतलब जितना भी बढ़िया बढ़िया लोकेशन है ना हर जगह मिलेगा। वैसे ये जो फेरी है ना इसमें लोग तो हैं ही, साथ में व्हीकल भी है लोगों का, 2 व्हीलर तक है इसमें, 4 व्हीलर तो नहीं दिखा हमें, 2 व्हीलर है। पेनांग पहुंचते ही जो हमें गर्मी का सामना करना पड़ा है ना भाई, लिटरली अभी वो ट्रेन का ना एसी याद आ रहा है हमें, अलग ही गर्मी है भाई यहाँ पे। हमें यहाँ से बस 600 मीटर पैदल जाना है, लेकिन वो भी नहीं चला जा रहा है, लेकिन जाना ही पड़ेगा भाई, मजबूरी है। बाकी यहाँ पे आपको ऐसे लंबी लंबी बिल्डिंग ही नहीं दिखेगी कुआलालंपुर की तरह। और एक चीज मैंने देखा है, सिंगापुर हो मलेशिया हो, यहाँ पे धूल मिट्टी नहीं है, जैसे हमें हर 2 दिन में शैम्पू करना पड़ता था ना, यहाँ नहीं करना पड़ता। वैसे ये स्ट्रीट देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है, अच्छा है यहाँ पे, आप आकर ना 1-2 दिन रुक सकते हो, इस टाइप का ये जगह है। अभी हम लोग जॉर्ज टाउन में आ गए हैं, और आते ही भाई हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा, वुडलैंड। सब कुछ ऑर्डर कर लिया हम लोगों ने। सत्या भाई ने क्या मंगाया है? सेट मिल थाली है ना, 170 रुपए की, 170।
170 रुपीज में भाई, इंडियन रुपीज, हाँ 170 इंडियन रुपीज में थाली मिला है ये। बाकी भाई ये नान है अपना, भिंडी का भाजी है अपने, एकदम टेस्ट लायक खाना है। तो एक काम करते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको, लास्ट में पूछ लेंगे यहाँ पे सभी से खाना कैसा था। चलो जी, हम लोग खाना पीना खा के निकल चुके हैं, और भाई खाने की क्या ही बात करूं मैं, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था खाना, बस जैसे तैसे कुछ कुछ अच्छा था, उसमें से दो तीन अच्छा था। रेस्टोरेंट से निकल के अभी हम लोग आ चुके हैं, देख लो एरोलाइन के ऑफिस के सामने। हाँ जी, आज हमारा बस है, जैसा कि मैंने बताया आपको, आज हमारा बस जर्नी होने वाला है, वो भी मलेशिया में। यहाँ का बस कैसा होता है, इंटीरियर कैसा होता है, सर्विस कैसा होता है, कितना टाइम लेता है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो आज हमारा जर्नी इसी में होने वाला है, देख लो एरोलाइन द कन्वीनियंट वे टू फ्लाई। तो अंदर में ऐसे लाउंज बना हुआ है, बैठ के यहाँ पे वेट कर सकते हो, पानी वगैरह भी है, टी कॉफी का भी ऑप्शन है वहाँ पे, बाकी आप अपना सामान इधर रख सकते हो। अच्छा है यार, अगर बहुत पहले पहुंच चुके हैं तो आराम से बैठ सकते हो यहाँ पे। बट इनका जो पिकअप पॉइंट है ना ये बस का, एरोलाइन का, एकदम मॉल के नीचे ही है, मतलब क्वींस बे मॉल है कोई। हम लोग बोले यहाँ वेट करने से अच्छा मॉल घूम लेते इतने देर में। बस वैसे हमारी आने वाली है ना स्टारबक्स के बिल्कुल पास में, हम लोग मॉल वगैरह घूमने के बाद आ चुके थे स्टारबक्स में, और इनका ना एक ऑफर चल रहा था 5 रिंगेट में, क्या बोलते हैं इसको, फ्रैपेचिनो भाई, जो भी है यार, ये सब पीने का आदत नहीं है ना, आदत भी नहीं है ये सबका। तो 5 रिंगेट में हमें मिल रहा था, बाय वन गेट वन, काफी अच्छा ऑफर था, बस एक कार्ड बनवाना था। हम बोले भाई जो है दे दो। यही अपनी बस है, देख लो आज की। ओ भाई साहब, स्कैनिया की बस है, यहाँ पे आप अपना लगेज रखवा सकते हो, बट हमारे पास तो लगेज है ही नहीं। ये देख लो हमारी बस की लुक कुछ ऐसी है, इसका जो सीट लेआउट है ना, नीचे के साइड भी सीट है ऊपर भी है। ये जो बस है ना डबल डेकर है, पता नहीं हमारा सीट कहाँ है, नीचे या ऊपर। चलो अब चलते हैं अंदर। एक बार ना इस बस का ग्राउंड क्लियरेंस देखो, है ही नहीं। अभी एक काम करते हैं, जाते हैं अपने बस के अंदर और अंदर का इंटीरियर भी आपको दिखाते हैं। तो देख लो जी, ये बस का जो इंटीरियर है ना अंदर से कुछ ऐसा है, क्या प्रीमियम बस है यार। हमारी सीट ऊपर है ना, तो आपको दिखाते हैं सीट कैसा है। अगर मैं सीट लेआउट की बात करूँ ना, 2x1 का सीट है अपना, और लेग स्पेस के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। तो यहाँ पे देख लो सीट बेल्ट वगैरह इन्होंने दे रखा है, कुशनिंग भी देख लो अंदर काफी अच्छा है। तो ये अपना सीट है, देख लो सीट नंबर 6B और 6C। हाँ जी, तो अभी बस में तो बैठ गए हैं, और सीट कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ ना, मेरे को तो ये ट्रेन से भी कंफर्टेबल लगा, सच बता रहा हूँ मैं। और लेग स्पेस तो भाई क्या ही कहना है, इस बस में ना बैठकर ही पता चल रहा है कि आराम से 300-400 किलोमीटर का जर्नी कवर कर लेंगे, हम लोग को दिक्कत होगा ही नहीं। सामने की तरफ देख लो स्क्रीन भी है, देखेंगे बढ़िया इसमें क्या है देखने का, इसमें भी अगर इंटरनेट मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और सीट आप रिक्लाइन भी कर सकते हो अच्छे से, ऑलरेडी रिक्लाइन है ना, आराम से यहाँ पिलो की तरह रख के सो भी सकते हैं। आपका ट्रे टेबल तो यहाँ पे है, मिल जाता है बस। और सबसे मेन देख लो सीट बेल्ट भी है भाई बस में। और यहाँ पे देख लो मूवीज वगैरह काफी कुछ है, रूट भी है, हम लोग का क्या रूट होने वाला है ये सब भी है इसमें। साथ ही देख लो बस में बोर्ड करते ही ना हमें ये एरोलाइन की तरफ से वाटर बॉटल मिल गया, और साथ ही इन्होंने ब्लैंकेट भी दिया हमें, यहाँ हेडफोन भी देकर चले गए। अच्छा खासा लेग स्पेस है भाई, और बस की अगर मैं साफ सफाई की बात करूँ ना, टिप टॉप। और ये आप बोल सकते हो बस हॉस्टल्स है, ये अभी टी कॉफी पूछ कर गए हमसे। ये जो देख रहे हो ना ये पेनांग ब्रिज है, और इसकी जो लेंथ है ना 24 किलोमीटर है, और बोल सकते हो ये जो ब्रिज है ना समंदर के ऊपर बना हुआ है, देख लो। वैसे कुआलालंपुर यहाँ से 361 किलोमीटर दूर है। हमें लंच तो सर्व किया ही है इन्होंने, ट्रेन में तो आपने देखा था हमें नॉन वेज मिला था, बट बस में देख लो हम लोगों ने वेज लिया अपने लिए। वेज में ये राइस है, और साथ में ये पनीर या फिर टोफू है, देखना पड़ेगा क्या है, कुछ ऐसा मिला है हमें, देख लो गर्मा गर्म लंच मिला है खाने के लिए। और पूरे बस में ना हम 4 लोग वेज खाने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें ही मिल गया। वैसे बस का स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, जब से चल रही है बस 50-60 ऐसे ही चल रही है, सद हो सकता है आगे चलेगी, अभी तो पूरा ट्रैफिक है रोड में। तो यही मिला है देख लो हमें लंच में। अगर आप वेज खाना अगर ऑप्शन में आप चूज करते हो ना, तो आपको इसी टाइप का कुछ खाना मिलेगा। चलो अभी ट्राई करते हैं इनका लंच। तो सबसे पहले राइस और ग्रेवी, काफी स्वीट स्वीट सा लग रहा है, पता नहीं राइस स्वीट है या ग्रेवी, ये पनीर नहीं था टोफू था, बट ठीक है। अब जो वेजिटेरियन है उनके पास खाने का ज्यादा ऑप्शन है नहीं, तो ये खाना भी खा सकते हैं, सब अभी। वैसे अभी मुझे पता चला ये जो बस का स्पीड है ना 90 पे ही लॉक है, तो 90 से ऊपर तो नहीं जा पाएगी बस। और बस में वॉशरूम भी है, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। फिलहाल यहाँ पे जो स्क्रीन देख रहे हो ना काफी कुछ है इसमें, इनफेक्ट ना ये जो मैं एक सेकंड देख रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स ये 90-91 तक ही जा रही है, इसके ऊपर नहीं जाएगी। ये जो गेम है ना हिल क्लाइंब मैं बहुत खेलता हूँ, मेरे फोन में भी है,
मैंने तो सारा कार, सारा जितना भी लेवल्स है ना और जितना भी ये मैप है सब मैंने खरीद रखा है। अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हो आप। इसके अलावा लवली देख रही है मूवी यहाँ पे। बढ़िया हेडफोन मिला है, ब्लैंकेट मिला है, वाटर बोतल मिला है। अभी चाय कॉफी के लिए पूछने आए थे, हम बोले कि अभी जस्ट खाना खाया हम लोगों ने, थोड़ी देर बाद देना, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। वैसे ऊपर की तरफ देख लो आपको एसी वेंट मिल जाएगा, लेकिन ये जो ब्लोअर है ना काफी स्ट्रांग है, इसलिए हम लोगों ने बंद करके रखा है। यहाँ लाइट भी मिल जाएगा आपको, रात में दिखाऊंगा जब रात हो जाएगा ना, तब थोड़ी देर में हो जाएगा। वैसे अभी टाइम देख लो 5:36 हो गया, लगभग 7:45 तक यहाँ अंधेरा होता है, तो जैसे ही अंधेरा होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये रहा हमारा पहला ब्रेक, लगभग हम लोग 4:30 बजे के आसपास निकले थे पेनांग से। अभी देख लो 6:53 हो रहा है और ये पहला ब्रेक लिया हम लोगों ने। लगभग शाम का 7 बजने वाला है, अभी भी इतना उजाला है, धूप है बल्कि। और ये अपनी बस है, देख लो क्या बस है यार, बहुत ही कंफर्टेबल बस है, कुछ जर्नी का पता ही नहीं चल रहा है इसमें। और अभी लिया है हम लोगों ने देख लो तंडास ब्रेक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना संडास, यहाँ पे बोला जाता है तंडास। चलो तंडास करके आते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी था, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है ना, बहुत बहुत कंफर्टेबल है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है जर्नी का। और मूवीज वगैरह देखते हुए जा रहे हैं हम लोग। सत्य भाई तो जबरदस्त सोए हुए थे, तो मैं बोला भाई उठ जाओ, तो वॉशरूम आ गया। अपने इंडिया में भी जैसे बस वाले रोकते हैं ना, जहाँ पे आप वॉशरूम का भी यूज कर सकते हो, आसपास में कुछ खाने पीने का भी रहता है, तो यही है उसका वो एडवांस वर्जन है। देख लो यहाँ पे, यहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स बने हुए हैं, अगर आपको शॉप से कुछ नहीं लेना है, यहाँ ना ऐसी वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है, आप यहाँ से भी कुछ ले सकते हो। साथ ही संदीप भाई देख लो मस्त फ्रूट वगैरह खरीद कर लेकर आ रहे हैं। तो है यहाँ पे काफी कुछ खाने पीने का भी ऑप्शन है, और ज्यादा बस जर्नी में थक गए हो ना, तो यहाँ देख लो आपको मसाज चेयर का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब इसको ऐसा बनाया गया है ना, ये एक्चुअल में रेस्ट पॉइंट है, प्रेयर रूम भी आपको मिल जाएगा। और वो रही अपनी बस, क्या लग रही है बस। बस अभी मस्त एकदम देख लो सनसेट का टाइम हुआ है। वैसे ये बता रहे थे 15 मिनट का हॉल्ट है, अब हॉन्किंग कर रहा है, इसका मतलब जाना पड़ेगा। यहाँ का ट्रक सब भी कितना अच्छा लग रहा है देखो। चलो कोई नहीं, अपना बस में चलते हैं। वैसे नीचे की तरफ ना इनका वॉशरूम भी है, वो दिखाते हैं आपको। नीचे के साइड सीट्स बहुत कम है, देखो टोटल बस 6 सीट है नीचे। और ये इनका लग रहा है पेंट्री एरिया है देख लो। और ये जो देख रहे हो ना, ये इनका वॉशरूम है। हाँ जी, बस में आपको मिलता है वॉशरूम, ये मतलब वॉशरूम बस सुसु के लिए है, उसके लिए नहीं है। अंदर में टिश्यू, वाटर टैप, सोप डिस्पेंसर सब कुछ है, बाकी हाँ इसका यूज बस सुसु के लिए। अच्छा है ना, तो हमको लगता है ये नीचे वाला सीट ना, मतलब वो थोड़ा एजेड पर्सन को ही देते होंगे। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच कुआलालंपुर और केएल सेंटर? अराउंड 2 आवर्स। 2 आवर्स फ्रॉम हियर? या फ्रॉम, नो स्टॉप? बैक टू बैक ट्रैवल करने का नतीजा है देख लो भाई। ये जो पार्ट है कोई नहीं दिखाता है ब्लॉग में। भाई थके हुए हैं पूरा एकदम। मैं सत्य भाई को 3 बार उठा कर गया कि सत्य भाई उठो, थोड़ा हिम्मत ही नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं भाई, कल इंडिया जा रहे हो, चलो आराम से सो, बस निकल रहा है और 2 घंटा लगेगा यहाँ से। हमारे बस का ना 15 मिनट का हॉल्ट था, फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं एग्जैक्ट 15 मिनट बाद ही। ज़्यादा भीड़ भी नहीं था, तो ज़्यादा किसी को टाइम नहीं लगा, हर जगह वेंडिंग मशीन लगा हुआ है, जिसको जो भी लेना है वो खुद से ले सकता है, तो किसी को उतना टाइम लगा ही नहीं। अभी मैं आ गया हूँ एकदम लास्ट वाले सीट में, क्योंकि लास्ट का ना कुछ सीट सब खाली था यहाँ पे देख लो। अभी वैसे काफ़ी बढ़िया सनसेट हो रहा है, वही दिखाने के लिए आया हूँ मैं। एक तो बस इतना खूबसूरत है, इतना कंफर्टेबल है, और रोड भी उतना ही खूबसूरत है, और सर्विस के तो क्या ही कहने, थैंक यू वेरी मच। अभी वो पूछ कर गए थे हमसे कि आपको क्या चाहिए, टी कॉफ़ी, माइलो का भी ऑप्शन था इनके पास। ये एरोलाइन की कॉफ़ी देख लो, ज़बरदस्त है यार, मतलब इनका जो सर्विस है ना एक नंबर सर्विस है। बाकी मैं प्राइस बता दूंगा और हम लोगों ने कहाँ से इस टिकट को बुक किया ये भी आपको बता दूंगा। अगर आप भी कभी आ रहे हो कुआलालंपुर से पेनांग या फिर पेनांग से कुआलालंपुर, एरोलाइन के इस बस को ले सकते हो, वर्थ है, टोटली वर्थ है। वैसे बाहर तो काफी डार्क हो गया है अभी, तो कुछ दिखा भी नहीं सकते बाहर का। और ऊपर में ना आपको जैसे हमने बताया था एसी वेंट है, ऐसा कुछ लाइट मिल जाता है आपको, मतलब अगर आप बुक वगैरह रीड करना चाहते हो तो। और बीच में ना एक और स्विच है,
वो अगर आप किसी असिस्टेंट को बुलाना चाहते हो तो उसके लिए। अभी तक मूवी खत्म नहीं हुआ, लास्ट जब से आई है तब से मूवी देख रही है। सही है। तो यहाँ पे क्या है कि बस में ना हमें हेडफोन मिला था और ब्लैंकेट मिला था, अभी वो आ रहे लेने के लिए। तो हम लोग भी एक काम करते हैं ना, अच्छे से समेट देते हैं क्योंकि सभी समेट कर दे रहे हैं। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुआलालंपुर। पेट्रोनस टावर, केएल टावर, सारा टावर यहीं से दिख रहा है। If you, as you disembark and check again before leaving our coast, you are responsible for your own personal belongings. अभी हम एकदम पेट्रोनस टावर के नीचे से ही जा रहे हैं। तो यही है, देख लो अपनी एरोलाइन की बस एकदम सामने आपको दिख रहा होगा पेट्रोनस टावर, जस्ट इस बिल्डिंग के पीछे ही है। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस काफी कमाल का रहा। सत्य भाई कैसा लगा? बेस्ट जर्नी अब तक की लाइफ, अब तक की। संदीप भाई का वैसे फर्स्ट इतना लंबा जर्नी था। यूपी परिवहन से यहाँ पे आए हैं, आपको लंबा जर्नी फील हुआ? लंबा जर्नी बिल्कुल फील नहीं हुआ यार, बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर टिकट किसी को बुक करना है तो कहाँ से कर सकता है? एयरलाइन की बस का ऐप है। अच्छा, और पर पर्सन कितना पड़ा था? आप समझ लो 300 MR में हम तीनों का हुआ। 300 MY मतलब 5,500 में तीनों का। ₹1,300 करके, तो ₹1,300 करके इस बस के लिए भाई बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगा मेरे को। तो यहाँ पे देख लो हमारे सामने ही है पेट्रोनस टावर, और यहाँ लवली को मैं बोला मम्मी को फटाफट दिखा दो, मम्मी से ही बात कर रही है लवली, देखे। और ये गई अभी एरोलाइन की एक और बस, अभी तो ना जाने और कितने कंट्री में ऐसे ही घूमना है। ये देख लो भाई बसेस यहाँ पे काफी कमाल की है, एरोलाइन को देखकर पता चल गया। यहाँ पे देख लो स्टार बकस है। अभी हम लोग ना ये मॉल में चले गए थे, देख लो सूर्या KLCC, और काफी बड़ा और काफी अच्छा मॉल है, बट मैंने ज्यादा कुछ दिखाया नहीं। अच्छे से आपको मॉल वॉल सब घुमा देंगे। फिलहाल देख लो अभी हम लोगों ने कैब बुक कर लिया। भाई कौन सा कैब आ रहा है? नहीं अभी हमारा कौन सा कैब आ रहा है? मर्सिडीज बेंज भाई। देवे कभी आज तक लाइफ में मर्सिडीज में बैठे नहीं। मैं भी नहीं बैठा, चुहा भी नहीं बैठा। बाकी सब एक तरफ है, मर्सिडीज बेंज चलाने वाला यहाँ गाड़ी चला रहा है ड्राइवर जैसे, वो एक पॉइंट सोचा आपने? सही बात है यार। लेकिन उबर में ना एक ऑप्शन आया था प्रीमियम करके कुछ दिन पहले इंडिया में, पता नहीं अभी वो है कि नहीं ऑप्शन। मुंबई दिल्ली में तो मैंने देखा था, अभी है कि नहीं बताना आप लोग प्रीमियम कार का ऑप्शन यहाँ पे है। चलो भाई ये आ चुकी है अपनी कार मर्सिडीज बेंज। भाई लाइफ में पहली बार मर्सिडीज में बैठने का मौका मिला, वो भी मलेशिया में। अरे बाप रे बाप, अंदर से ऐसा होता है क्या? ओके तो चलो जी अभी निकल चुके हैं होटल के लिए। इसी मर्सिडीज कार ने हमें ड्रॉप किया है हमारे होटल तक 30 Malaysian ringgit में, और ये अपना होटल।